हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, अगर आप इस बार ट्वेल्थ पास किए हैं या पहले भी पास कर चुके हैं और अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो पार्ट वन में इसका एडमिशन हो रहा है LNMU और BNMU में। तो चलिए वन बाय वन करके सारे स्टेप्स में हम आपको बता देंगे। इससे पहले नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियली बता देते हैं कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा और इसका स्टार्टिंग डेट क्या है और इसका प्रोसेस क्या है फॉर्म भरने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो गया है और इसका ऑनलाइन का स्टार्ट भी डेट यहाँ पे देख सकते हैं। 30 अप्रैल से ही ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं 25/5/2019 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है और पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 5/6/2019 को इसका फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो है पब्लिश होगा। उसके बाद और भी यहाँ पे इंडिविजुअली करके सारे डेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है कैसे कैसे इसका क्या पब्लिश्ड होगा। उसके बाद ऑनलाइन करने की यहाँ पे प्रोसीजर भी यहाँ पे बताया गया है 1, 2, 3, 4 करके। तो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे बता दें हैं। सबसे पहले ऑनलाइन करने से पहले आपको सारे इंस्ट्रक्शन जो है केयरफुली से फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे टू मेक ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द URL http://lnmu.ac। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करने के लिए इस वेबसाइट पे जाने होंगे जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इस यहाँ पे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको अपना एप्लीकेशन से हैव टू क्रिएट यूजर अकाउंट, क्लिकिंग ऑन द क्रिएट एन अकाउंट लिंक टू विल ओपन द क्रिएटर यूजर पेज। तो सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा, वहाँ पे सारे डिटेल्स आपको फोन नंबर, नाम और ईमेल आईडी केयरफुली से भरने होंगे। उसके बाद आपका अकाउंट जैसे जनरेट हो जाता है आगे जाके आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए मैं स्टेप्स में हम आपको बता देते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। तो वहीं लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। BA ऑनर्स अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम इंटर में 45% मार्क रहना चाहिए जिस सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, +2 साइंस और कॉमर्स आपका जो है 45% से पास आउट रहना चाहिए। उसके बाद बी कॉम अगर करना चाहते हैं तो जो भी सब्जेक्ट आपका यहाँ पर देख सकते हैं, अकाउंटेंट, बिजनेस स्टडीज और इंटर्नशिप और बिजनेस इकोनॉमिक टेकन टुगेदर, तो इसमें भी आपको 45% से ऊपर रहना चाहिए तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। BSc ऑनर्स जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपको, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है उसमें आपको, या बायोलॉजी है, तो उसके लिए आपको 45% उस सब्जेक्ट में पास आउट रहना चाहिए। जैसे 100 का है या 70 का है, 30 का प्रैक्टिकल होता है, तो 70 में आपको 45% पास आउट रहेगा तभी आपका एडमिशन उस ऑनर्स में हो सकता है। उसके बाद आगे भी इसी तरह के दे दिया है सारे कैटेगरी और मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, तो आप आसानी से ये फॉलो करके आप स्टेप बाय स्टेप बाय फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, आपको फॉर्म भरने की प्रोसीजर बताते हैं। तो यह है LNMU का ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप आके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टेप फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको अपना क्रिएट योर अकाउंट फर्स्ट बाय वेरीफाई योर OTP। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाने होंगे, जो अकाउंट यहाँ से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे जो लोग अकाउंट बना चुके हैं यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, और जो लोग नहीं बनाए हैं तो यहाँ से क्रिएट अकाउंट करेंगे। उसके बाद लॉगिन टू वेब पब्लिकेशन बाय यूजिंग योर न्यूली क्रिएटेड अकाउंट, जो आपका क्रिएट हो चुका है अकाउंट वहाँ पे यहाँ बोल रहे क्रिएट करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करने होंगे। चलिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये खुल के सामने आ गया है। सबसे पहले आप अपना फुल नेम भरिए, उसके बाद यूजर नेम जो रखना चाहते हैं वो भरिए, उसके बाद अपना पासवर्ड बना लीजिए, जैसे यहाँ पे PK है, और @123 कुछ डाल दीजिए, जो आपका अपना नाम हो, 6 या 8 डिजिट का कैरेक्टर का आप पासवर्ड बना लीजिएगा। जो पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा वही यहाँ पे आपको इंटर करने होंगे। अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, जो एक्टिव है अपने मोबाइल में एक्टिव है वो। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे मान के चलिए कोई नंबर यहाँ पे हम इंटर करते हैं, जैसे कोई नंबर यहाँ पे 10 डिजिट का इंटर करिएगा, और जैसे कि किसी भी पेज पे कहीं भी क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक OTP मैसेज जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करने होंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आसानी से इसका लिंक हम डिस्क, जैसे देखिए ये मेरे मोबाइल नंबर पे यहाँ पे मैसेज आ गया है, जैसे यहाँ पे इंटर करिएगा OTP आपको वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस खुलेगा जहाँ पे आपको फ़ोटो और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं। इसी तरह से आगे भी आप स्टेप्स फॉलो करते जाइएगा, आसानी से आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं BNMU की। जो लोग BNMU में फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन हम बता दें, जो लोग BNMU यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरना चाहते हैं उनकी उन स्टूडेंटों के लिए एक न्यूज है। इसके लिए आवेदन की तिथि घोषित की गई है 9 से लेकर 26 मई तक, यानी कि कल 9 मई है और कल से इसका ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से आप हम आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और ऑनलाइन करने की पूरी प्रोसेस हम बताएंगे। तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको जैसे वीडियो पब्लिश करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। कल से इसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, 9 से लेकर 26 मई तक पूरी क्राइटेरिया बताएंगे कैसे कैसे आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।